साथियों नमस्कार। ये वीडियो उन पटवारी के अभ्यर्थियों के लिए जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि इस चैनल पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित ज्यादा अपडेट्स आते हैं। इसमें आपके पटवारी भर्ती से संबंधित वो पांच बड़ी बातें जो आपको जानना जरूरी है उनके बारे में बता रहा हूँ। इसलिए शायद ये वीडियो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी जरूरी हो सकता है। इसलिए इसमें सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूँ कि अभी सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार ने लागू किया है या जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या पटवारी भर्ती में भी सीईटी लागू होगा। लेकिन देखिए उसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि अभी जो पहले से जिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें सीईटी लागू नहीं होगा। तो आप पहले तो ये मानिए कि पुराने पैटर्न पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। दूसरी चीज़ पदों के संदर्भ में और एग्जाम डेट के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट समय पर मिल सके। आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी का एक अच्छा संकेत आपको मिल रहा है। 5,500 पदों के लगभग ये भर्ती आपकी आने वाली है और इसके लिए फॉर्म रीओपन होने से पहले देखिए एक पेज कहां फंसा हुआ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो मामला है वो राजस्व विभाग में भर्ती के अलग नियम होती है और पटवारी आपको पता राजस्व से संबंधित है, तो वहां पर भर्ती नियमों में संशोधन होने के बाद ये जो नई विज्ञप्ति आएगी उसके बाद आपको एक बार फॉर्म रीओपन का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को ही मौका मिल सकता है शायद अभी जो बाकी भर्तियों में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए बाकी ने जो पहले अप्लाई कर दिया उनको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कारण यह है कि सरकार के पास पटवारियों की बहुत ज्यादा कमी है और आपको पता है कोई भी विभाग में पोस्ट वेकेंट है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पटवारी। आप ये मान के चलिए कि आपकी जरूरत सरकार को है और आपको नौकरी की जरूरत है, तो दोनों की आप ये मान के चलिए बराबर आवश्यकता है। जिन पटवारियों के पास एडिशनल हलके के चार्ज थे उन्होंने अपने बस्ते तहसीलों में जमा करवा रखे हैं, वहां काम पूरा अटका पड़ा है। स्टूडेंट्स का, किसानों का, हर कोई परेशान है। इसलिए जल्द भर्ती आएगी और जुलाई में अगर आपकी वैकेंसी का जो रिवाइज नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपकी अक्टूबर माह में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और परीक्षा पुराने पैटर्न वही एक परीक्षा के आधार पर होगी। एक चीज़ क्लियर है, पुराना सिलेबस आप उसी से तैयारी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है किताब आपके पास पहले से होंगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप भी बहुत कम कीमत में ये कोर्स है वो परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑफलाइन स्टडी पे भी फोकस रखें। देखिए भर्ती की डिले का एक और कारण है वो आपका जो जिलेवार वर्गीकरण है वो भी फिर से होगा। देखिए सरकार ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई है तो उसी के अकॉर्डिंग जिलेवार पदों का वर्गीकरण भी दोबारा सरकार एक तरह से करने जा रही है। किस जिले में कितने पद होंगे इनकी गणना फिर से हो रही है, तो ये भी एक इस विज्ञप्ति में देरी का एक कारण हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये दोनों का समाधान इसी महीने में 2-3 दिन में शायद हो जाए। उसके बाद जुलाई 1 वीक तक आपका नया विज्ञापन आ जाएगा और इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं बार बार आपको चीज़ें उपलब्ध कराता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो शेयर करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल और इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।